जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम गोरखपुर में है। गोरखपुर में खुशी का इजहार आपको देखने को मिल जाएगा। मात्र 191 रन पाकिस्तान बना के सिमट गया। गोरखपुर है, देखिए पूरे परिवार साथ लोग बैठ के डिस्प्ले लगा के यहाँ पे मैच देख रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है गोरखपुर में, डॉक्टर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान ने सिर्फ 151 पे ऑल आउट हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, नमस्कार सभी लोगों को, भारत के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। 191 रन पे पाकिस्तान को ऑल आउट करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पूरा भारत आह्लादित है। और उम्मीद है हम लोग 8वीं बार फिर से पाकिस्तान को हराएंगे। और इस एक मुद्दे पर हमारा संपूर्ण भारत एक रहता है। एशियन गेम के प्रदर्शन के बाद ये प्रदर्शन शायद अद्भुत होने वाला है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे खुशी का इजहार किया जा रहा है। मैम, जिस तरह से 151 रन बनाया गया है पाकिस्तान वाला, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जीतेगी। क्या कहना चाहेंगे? हमारी हमारी दिली इच्छा है कि इंडिया जीते, विश्व विजेता बने। और हमारा जो हिटमैन है कैप्टन रोहित, वो 100% जीतेगा। मैं क्या कहना चाह रहे, जिस तरह पाकिस्तान ने छोटा सा रन का स्कोर दिया है, 191-92 रन में जीत हो गया 100, क्या कहना चाह रहे? ठीक है, आशीष भैया अब हमारे साथ, कपिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सुन लेते हैं। ये गोरे कोचों से आपकी टीम से कुछ होना नहीं है। टेक्निक बाद में मजबूत करना, पहले दिल मजबूत करना सिखा दो इनको थोड़ा। मतलब किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। साउथ शकील स्टार्ट आपको मिल गया है, रोहित शर्मा ने टॉस जीत के आपको बल्लेबाजी करने के लिए दे दी, पाटा विकेट है, सब कुछ आपके फेवर में था, आपको बढ़िया क्रिकेट खेलनी थी। यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान की टीम ने। आप इफ्तिकार को देखिए, आपको आपको आते ही स्वीप मारने की क्या जरूरत है? अगर अच्छी बॉल कर रहा है कुलदीप यादव, उसको मत मारो ना स्वीप। आप देख रहे हो, वो ठीक है कि हादसा लग के गई थी, इतनी बड़ी टर्न नहीं थी, लेकिन स्वीप मार रहे तो वो जो इन्फॉर्मनेस होती है ना, इन्फॉर्मनेस भी नहीं है बल्लेबाजों में। टेक्निक तो बाद की बात है, बहुत डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान ने। तो कपिल हमारे सहयोगी बता रहे हैं जो कि टेक्निकल यहाँ पर चीज है कि भाई बहुत बहुत यहाँ पर आकांक्षा निराश किया पाकिस्तान की टीम ने, और वाकई आज अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। बिल्कुल, लेकिन चुनौतियां भी अनुज अभी आगे हम कह सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग अगर पाकिस्तान की देखी जाए तो हो सकता है कि थोड़े से चैलेंजिंग हो सकती है टीम इंडिया के सामने। सहारनपुर आपको लेकर चलते हैं, नीना के पास। नीना, वहां पर लोगों से बातचीत करिए, चूंकि पाकिस्तान की टीम तो पूरी तरह पस्त हो चुकी है, अब इंडिया की बारी है, लेकिन वहां के लोगों में किस तरह का उत्साह? देखिए यहाँ पर लोगों में बहुत उत्साह है, और खासकर बच्चों में, अपने क्रिकेट बैट लेकर मैच देख रहे हैं, और जिस तरह से ब्रेक हुआ है उसके बाद लगातार उसका ही, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ नारेबाजी हो रही है। क्या कहेंगे इंडिया के लिए कि जीतेगा क्या बैट? इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा, क्योंकि 7 बार भी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, और अब भी इंशाल्लाह मुझे पूरी पूरी उम्मीद है हमारा हिंदुस्तान विजयी होगा। लोगों ने बहुत उत्साह, आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत ज्यादा टफ है, इंडिया को मुश्किल में डाल सकती है? नहीं, इतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ये टीम खेल रही है, पाकिस्तान के भी पिछला मैच उन्होंने हार से जीता है, बॉलिंग के बलबूते पे जीता उन्होंने, लेकिन हमारी जो इंडिया की टीम के बल्लेबाज है वो बहुत ही जानदार और शानदार है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी इंडिया टीम के जो बल्लेबाज है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, और हिंदुस्तान हमारी टीम जो है हिंदुस्तान की, वो पाकिस्तान को हराएगी और हमें कामयाबी दिलाएगी, और हमें उम्मीद है कि वर्ल्ड कप भी हमारी हिंदुस्तान की टीम ही जीते। आपको क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो इंडिया की टीम है लगातार पिछले 7 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा चुकी है, और ये सिलसिला जो शुरू किया और तभी से लगातार पाकिस्तान हार रहा है और आज भी हारेगा, और इंडिया लगभग 10 विकेट मैच जीतेगा, क्योंकि इतना क्लोज स्कोर पे आउट किया है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी मजबूत नहीं है कि इंडिया के 10 बल्लेबाज को आउट कर सके। तो आपको बहुत मजा आ रहा है जी? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, महल का स्वागत है आपका, आप आए, बहुत मजा आ रहा है आज। और हमारे जो इंडिया की टीम है वो बहुत मजबूत टीम है, शानदार बैटिंग, शानदार बॉलिंग, बेहतरीन जो है उनकी फील्डिंग, आज भी इंशाल्लाह इंडिया ही जीतेगा। पहले भी हमने पाकिस्तान को 7 बार हराया है, 8वीं बार भी हम हराएंगे, और वर्ल्ड कप भी हम ही जीते हैं। हमारे साथ यहाँ मौलाना साहब भी है, हम इन मौलाना साहब से पूछते हैं। मौलाना साहब, आप क्रिकेट मैच देखते हैं? जी हाँ देखते हैं। क्या हाल लग रहा है आज, आप भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं? इंशाल्लाह आज हिंदुस्तान जीतेगा और वर्ल्ड कप भी। ठीक है नीना, आपके पास वापस लौटते हैं, कुछ और लोगों को भी आपको सुनवाते हैं।
के आज और इंडिया जीतेगी आज। यस रोहित एंड कोहली जीतेगी। तो देखिए आप लोगों को जरा देखिए कि किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और अलग अलग जगह पर इसी तरह से स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इंडिया विल विन द मैच इन विद इन 25 ओवर्स। आई थिंक गिल एंड विराट दे विल फिनिश ऑफ द मैच। तो देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं सभी के सामने आ रही हैं और कुछ लोगों का यही कहना है कि महज 25 ओवर में ही भारत जीत जाएगा ये मैच। विराट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, गिल से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। एक बार फिर से आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। मयूर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मयूर वहां पर भी लोगों को यही लग रहा है क्या कि महज 25 ओवर्स में ही बहुत इजीली ये टारगेट चेस कर लेगी टीम इंडिया? देखिए कहने को तो चेस किया जा सकता है क्योंकि जो अपने बैट्समैन हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं, लगातार सभी बैट्समैन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन 191 रन 25 ओवर में चेस कर लेना ये इतना भी आसान नहीं माना जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग हम सबको पता है नो डाउट बहुत अच्छी है। उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं अगर शुरुआत में ब्रेक थ्रू दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भारत के लिए भी खड़ी हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में हमने देखा कि 2 रन पे 3 विकेट भारतीय क्रिकेट टीम के हो गए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी बैटिंग ज़रूर की थी केएल राहुल और विराट कोहली ने तो भारत को जीत हासिल हुई थी, लेकिन 191 इतना भी आसान नहीं होगा कि 25 ओवर में जीत लिया जाए। तमाम युवा है हमारे साथ, क्या उम्मीद लग रही है अभी आपको? भारत ही जीतेगी अपनी, जीत जाएगी। अच्छा इतना कम रन बनेगा उम्मीद थी क्या? क्या उम्मीद कर रहे थे कि 300 के ऊपर जाए? उम्मीद तो 250 की लग रही थी जिस हिसाब से स्टार्टिंग में रन रेट था, जैसे 46 पे पहला विकेट गया। टॉस जीत के जब इन्होंने फील्डिंग किया तो सब लोग सरप्राइज थे कि बैटिंग करना चाहिए था, अभी लग रहा है कि फैसला ठीक है? हाँ अब तो लग रहा है फैसला ठीक है, अब जिस तरीके से मैच चल रहा है अब तो लग रहा है जीत भी जाएंगे, जीतेगी इंडिया। इतनी उम्मीद, 7 बार लगातार जीते हैं और आज लग रहा है 8 मारने वाली है। यस एकदम जीतेगी इंडिया। आपको किससे उम्मीद है अभी, कौन अभी बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कौन करने वाला? मुझे तो लगता है कि इंडिया ने जो परफॉर्मेंस किया है बॉलिंग में तो काफ़ी अच्छा किया है, तो मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगी फिलहाल तो। और वैसे वीकेंड है, सैटरडे है, तो फिर हो सकता है हमें डबल खुशी मिल जाए, पार्टी खुशी मिल जाए। जीत के बाद पार्टी भी होगी और जश्न होगा और आतिशबाजी भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल पर हो गया, कह रहे हैं वीकेंड है और वीकेंड के दिन आमतौर पर पार्टी करते हैं लोग, तो पार्टी आज भी होगी जश्न जीतने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल होगी पार्टी। वीकेंड पर पार्टी लोग करते हैं और अगर जीत जाएंगे तो वो मजा दोगुना हो जाएगा क्योंकि आतिशबाजी होगी, जश्न होगा, पार्टी करेंगे। और ये जो महामुकाबला है लंबे समय से इंतजार है, 1992 से लेकर लगातार 2023 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ ये बात खेला। बिल्कुल सही है कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लेने का फैसला हर किसी ने यहाँ पर चौंकने पर मजबूर हुआ और कहा कि ये क्या फैसला गलत तो नहीं हो गया है, लेकिन नहीं, जो स्ट्रेटेजी भारत ने अपनाई, भारतीय टीम ने अपनाई, वो धरातल पर भी दिखाई दी। हमारे साथ आशीष शाही हमारे साथ मौजूद है। आशीष एक बार लोगों से बातचीत कीजिए, देखिए कितना उत्साह है। जी बिल्कुल अनुज, गोरखपुर में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्साह मनाया जा रहा है, देखिए ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे उत्साह मनाया जा रहा है। मैम क्या कहना चाहेंगी आप, जिस तरह से आज भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, पाकिस्तान खेल चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि मेरी इंडिया हमेशा से जीता है और अब भी जीतेगा, आज भी। भाई साहब क्या बोला, पाकिस्तान इस बार विश्व कप अभी पाकिस्तान झाकी है, विश्व कप अभी बाकी है। आज भारत हमेशा की तरह जीतेगा ही जीतेगा, आज तक वर्ल्ड कप में भारत हारा नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लिए हम लोग कहना चाहते हैं मौका 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 मौका। भारत हमेशा से विजयी रहा है, हमेशा विजयी रहेगा, भारत को हराने वाले पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है, हमेशा भारत ही जीता और भारत ही जीतेगा, भारत हमेशा जीतता रहा है। सर जिस तरह से मैच हो रहा है भारत पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने बहुत छोटा सा लक्ष्य दिया है, क्या कह रहा है?
इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। कितने ओवर में इंडिया जीतेगी? 30 ओवर में। 30 ओवर इंडिया जीतेगी। देखिए महिलाओं का उत्साह देखिए, जिस तरह से ना तो महिलाओं का कितने ओवर में जीतेगी, बहुत छोटा लक्ष्य दिया है पाकिस्तान ने। 30 ओवर। 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 30 ओवर।